और यूपुलट की गति से ओटावा क्यूबेस बोल्ड। ये क्या एफएल की किल्ली उड़ चुकी है और ऑडियंस भी काफी निराश लग रही है, लेकिन एक मिनट ऐसा लग रहा है एफएल को कोई पुकार रहा है अंपायर नो बॉल का इशारा दिखाते हुए। तो इसी के साथ एफएल को सिर्फ एक जीवन दान ही नहीं बल्कि एक फ्री हिट भी मुफ्त मिलती है। Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mixed with Vasudev। तो finally आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है when it comes to user interface, recording, mixing, mastering या फिर music production थोड़ा fun के साथ। Nice। तो मैं फटाफट से आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैंने चार सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर किया है जिनको हम DAWs भी बोलते हैं, यानी डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। तो आज जिन DAWs को हम कंपेयर करेंगे उनके नाम है Ableton, Cubase, FL Studio और Logic Pro। तो काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में Pro Tools क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि आज जिन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, चांसेस आर कि मोस्टली लोग इन्हीं से ही शुरू करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं प्रो टूल्स की बात करूं तो उस पे म्यूजिक नहीं बनाया जाता। सो दैट इज द रीजन उसको मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला। इस लिस्ट में जो भी सॉफ्टवेयर्स है, जो भी DAWs है, आप उन पे कुछ भी कर सकते हो, फ्रॉम रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग टू इवन म्यूजिक प्रोडक्शन। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि इन चार सॉफ्टवेयर्स को मैंने चार पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर किया है। पहला पॉइंट है आपका UI, यानी कि यूजर इंटरफेस, कि वो कितना यूजर फ्रेंडली है। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग कम एडिटिंग, यानी कि जब भी हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और उसमें जो कमियां होती है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड पिच, उनको करेक्ट करने के लिए क्या टूल्स प्रेजेंट है सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि म्यूजिक प्रोडक्शन में कौन सा DAW सबसे अच्छा है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए कौन सा DAW बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं हर राउंड के बाद 5 में से एक स्कोर दूंगा हर DAW को। तो वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट स्कोर हो, बिकॉज यहाँ पे हम सब आपस में यूनिक है, बिकॉज हम सबकी थिंकिंग अलग है, हम सबका पर्सपेक्टिव अलग है। लेकिन जो भी मैं पॉइंट आज की वीडियो में बताऊंगा आपको, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा और उसी के बेसिस पे अपना स्कोर दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम UI की बात करें, यानी कि यूजर इंटरफेस की बात करें, अगर हम क्यूबेस की बात करें, तो देखो क्यूबेस का जो UI है वो काफी ज्यादा सिंपल है, बिकॉज ऑब्वियसली वो डॉ बहुत पुराना है। एक दिक्कत जो मेरे को ये फील हुई, बिकॉज ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफी इंजीनियर से बात की जो इन डॉज को यूज करते हैं, और क्यूबेस का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक मुझे यही मिला UI में कि आपको मैपिंग करने में दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू टेक अ सेशन, तुम एक बैंड को रिकॉर्ड करने वाले हो, तो वो चैनल्स को मैप करना, सेंड करना, राउट करना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। Whereas बाकी डॉज की बात करें तो बाकी डॉज में ये चीज फटाफट हो जाती है। अगर हम इसकी डिफरेंट वर्जन की बात करें तो इसका प्राइस शुरू हो जाता है लगभग 8,000 रुपए से और ये 50,000 तक जाता है। इसके डिफरेंट वर्जन जो मार्केट में आते हैं वो है एलिमेंट्स, आर्टिस्ट और प्रो। सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है, यानी कि विंडोज और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है। इसी के साथ अगर हम अगले DAW पे चले जो कि है FL Studio, तो FL Studio की खास बात ये है कि वो विजुअली बहुत प्लीजिंग है, उसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, उसको डिजाइन बहुत अच्छे से किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं UI की बात करूं तो मेरे को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कोई चीज कहीं से खुलती है, कोई चीज कहीं से खुलती है, चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये चीज मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज मैं लॉजिक यूज करता हूँ, बट बिकॉज मैंने Cubase और FL Studio पर्सनली यूज किए हैं, एंड FL Studio से तो मैंने शुरू किया था प्रोडक्शन। तो मुझे ये फील हुआ कि जितना टाइम मुझे FL Studio को यूज टू होने में लग गया, उससे कम टाइम लगा बाकी डॉज को समझने में, बिकॉज बाकी डॉज क्या था वो काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे और सब डॉज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी व्हेन इट कम्स टू यूजर इंटरफेस। लेकिन FL Studio का इंटरफेस जो है वो काफी ज्यादा यूनिक है, और यही चीज उसकी खास बात भी है और उसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। अगर हम बात करें इसके डिफरेंट वर्जन की, तो इसके डिफरेंट वर्जन है फ्रूटी, प्रोड्यूसर और सिग्नेचर, और इसका प्राइस लगभग 8,000 रुपए से शुरू होता है अप टू अप्रोक्सीमेटली 65,000 Indian rupees। खास बात इसकी भी ये है कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है, यानी कि मैक यूजर हो या विंडो यूजर हो, या आप बीच में स्विच भी करते हो तो भी आप इस सॉफ्टवेयर को दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्मूथली रन कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम चले लॉजिक प्रो पे, तो अभी तक का सबसे आसान यूजर इंटरफेस मेरे को लॉजिक का ही लगा। एंड दैट इज नॉट अगेन कि मैं इसको यूज करता हूँ, बट बिकॉज मैंने काफी सारे डॉस ट्राई किए हैं और लॉजिक ही सिर्फ ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे को लगता है कि आप उसको इंस्टॉल करते ही उस पे गाने बनाने शुरू कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस, इसकी जो नई अपडेट आई है उसने इसको म्यूजिक प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड बना दिया है, बिकॉज इसमें उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें इंक्लूड कर दी जो FL Studio
एबल्टन और बाकी डॉस की फेमस थी और उनको काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया। तो अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं कि लॉजिक की इस नई अपडेट में क्या एडिशन हुआ है तो आप लोग मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं लॉजिक की नई अपडेट पे। उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की है सैम्पलर, लाइव लूप, सिक्वेंसर की, जो लॉजिक प्रो के 10.5 वर्जन में नए आए। इसके अलावा अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अभी तक का सबसे सस्ता डॉ है ये, एक ही वर्जन के साथ आता है और उसी में आपको सारे फीचर्स अवेलेबल है और वो वर्जन है लगभग 15,000 रुपए का। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सिर्फ मैक ओएस के साथ कंपैटिबल है, जिसकी वजह से आपको शायद दिक्कत हो सकती है अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी आर्टिस्ट के साथ जो लॉजिक प्रो नहीं यूज करता। इसी के साथ आखिरी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं जो कि है एबल्टन। तो एबल्टन अगेन काफी ज्यादा क्लीन है, काफी ज्यादा अनक्लटर्ड है, आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी एज कम्पेयर टू अगेन ऑल द डॉस। सबसे बेस्ट मेरे को यूआई लॉजिक का लगता है, लेकिन अगर उसके बाद मेरे को किसी को डालना हो तो मैं जरूर एबल्टन को डालूंगा बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। इन एडिशन टू दिस ये आपको डुअल मॉनिटर व्यू भी सपोर्ट करता है, जिसमें आप अपने वर्क स्पेस और अरेंजमेंट विंडो को एक साथ देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, इस डॉ में मल्टीपल वेज है एक चीज को अचीव करने के, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। यहीं पे अगर हम इसके वर्जन की बात करें तो इसके तीन वर्जन आते हैं, इंट्रो, स्टैंडर्ड और सूट, और इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 7,000 रुपए से शुरू हो जाती है अप टू 53,000 INR। अगेन सबसे बड़ा प्रो इसका ये है कि ये भी अगेन दोनों ओएस के साथ कंपैटिबल है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है। तो अगर यूआई, कंपैटिबिलिटी और प्राइस के बेसिस पे मेरे को इनको स्कोर करना हो तो पहले राउंड के स्कोर्स कुछ इस तरह के होंगे। लॉजिक प्रो 4.5, एबल्टन 4, एफएल स्टूडियो 4, क्यूबेस 3.5। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट कंपैरिजन पे जो कि है रिकॉर्डिंग कम एडिटिंग। तो अगर हम क्यूबेस की बात करें तो क्यूबेस का जो एलिमेंट्स वर्जन है वो सपोर्ट करता है 64 मिडी ट्रैक्स और 48 ऑडियो ट्रैक्स। अगर हम नेक्स्ट वर्जन पे चले जो कि है आर्टिस्ट वर्जन, तो वो सपोर्ट करता है अप टू 128 मिडी ट्रैक्स एंड 64 ऑडियो ट्रैक्स। और जो फाइनल प्रो वर्जन है जो कि सबसे एक्सपेंसिव वर्जन है क्यूबेस का, वो अनलिमिटेड ऑडियो मिडी ट्रैक्स सपोर्ट करता है। अगर हम एडिटिंग की बात करें तो बहुत अच्छे क्वांटाइजेशन और एडिटिंग मोड्स के साथ आता है क्यूबेस। अगर मैं दो मोड्स की बात करूं क्वांटाइजेशन के, तो उसमें दो मोड्स होते हैं, हार्ड और इटरेटिव मोड। तो हार्ड मोड में क्या होता है, वो एकदम स्ट्रिक्टली आपके नोट्स को क्वांटाइज कर देता है, लेकिन जो इटरेटिव नोट है वो हल्का सा आगे पीछे छोड़ देता है, जिसको हम स्विंग भी बोलते हैं, ताकि वो ह्यूमन इफेक्ट आ पाए, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। एक नुकसान क्यूबेस में रिकॉर्डिंग का ये है कि ये कॉम्पिंग अलाउ नहीं करता, जो कि काफी सारे डॉज अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं आपको नए ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं। वेयर एज अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉजिक की बात करूं तो उसमें क्या है, आप एक ही ट्रैक में मल्टीपल टेक्स ले सकते हो और उसका वहाँ पे एक टेक फोल्डर बन जाता है, जिसको आप आराम से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जिसको आराम से कॉम्प कर सकते हो। यहीं पे अगर हम बात करें एफएल स्टूडियो की, तो एफएल स्टूडियो का इवन जो फुल वर्जन है, प्रो वर्जन है, उसके अंदर भी आपके पास 500 ट्रैक्स की लिमिट होती है। नॉट जस्ट दैट, एक फायदा ये है कि ये कंपैटिबल है मोस्ट ऑफ द ऑडियो फॉर्मेट्स के साथ, फॉर एग्जांपल VST, VSTi, WAV, AIFF, OGG, ACID etc. इन एडिशन टू दिस ये इवन वीडियोस को इंपोर्ट कर सकता है, तो आप वीडियो स्कोरिंग भी आराम से कर सकते हो FL स्टूडियो पे। यहीं पे अगर हम बात करें लॉजिक प्रो की, तो लॉजिक प्रो सपोर्ट करता है अनलिमिटेड मिडी कम ऑडियो ट्रैक्स, और अगर हम इसके प्राइस के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा बोनस फैक्टर है। इन एडिशन टू दिस ये इवन कॉम्पिंग अलाउ करता है, एंड नॉट जस्ट दैट, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है CPU यूसेज के लिए, यानी आपके CPU पे कम लोड देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है ये डॉ। इसी के साथ अगर हम बात करें एबल्टन की, तो एबल्टन अलाउ करता है 16 ट्रैक्स जब हम बात करें उसके बेस वर्जन की जो कि है इंट्रो, लेकिन उसके बाद के जो दो वर्जन है दोनों में ही अनलिमिटेड ट्रैक्स को सपोर्ट करता है। इन एडिशन टू दिस एक नुकसान अगेन इसका भी यही है कि ये कॉम्पिंग अलाउ नहीं करता, एंड दिस इज मोस्टली यूज्ड बाय DJs या फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इसकी रियल टाइम मैनिपुलेशंस जो है वो काफी अच्छी है। तो अगर दूसरे राउंड के बाद मेरे को इनको स्कोर देना हो तो इनका स्कोर कुछ इस तरह का होगा, क्यूबेस 5, एबल्टन 4, लॉजिक 4 एंड FL स्टूडियो 3.5। इसी के साथ हम लोग चलते हैं थर्ड राउंड पे जो कि है म्यूजिक प्रोडक्शन। तो अगर हम क्यूबेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो क्यूबेस को म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए बहुत ही रेयर लोग यूज करते हैं, एंड पर्सनली मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज उसके जो टूल्स है अभी वो कम्पेटिटिव नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम कुछ प्रो फीचर्स की बात करें तो उसमें अगेन बस क्वांटाइजेशन और एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हुए मिडी से रिलेटेड, लेकिन अगेन मिडी रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं है। अभी इनकी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी जिसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव करके इन्होंने एक मिडी मोड डाला है, जिसमें आप मिडी
नोट्स को प्ले कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो बिना अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किए हुए। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, एंड आई हैव नॉट सीन पीपल यूजिंग दैट ऑफन, तो आई डोंट थिंक हम उसे कंसिडर करेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें FL Studio की, तो इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक प्रोडक्शन। म्यूजिक प्रोडक्शन में एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। उसका जो प्रो सैम्पलर है, उससे आप किसी भी सैंपल की चेंज कर सकते हो बिना उसकी स्पीड चेंज करे, जो कि एक बहुत यूजफुल फैक्टर है और काफी सारे DAWs में अवेलेबल नहीं है। इन एडिशन टू दिस, बीट मेकिंग के लिए उसका सबसे बेस्ट है वर्कफ्लो अभी तक और सबसे फास्ट वर्कफ्लो है। यानी कि अगर आपको एक बीट बनानी है, तो आई डोंट थिंक कि FL Studio से ज्यादा जल्दी आप लोग कहीं पे भी बना सकते हैं अपनी बीट को। इसके अलावा उसका जो प्लेलिस्ट मोड है, वो ऑफर करता है प्रो मिडी मैपिंग। यानी कि अगर आपको सीक्वेंसर से बाहर जाना है, आपको प्रोफेशनली प्रोग्राम करनी है चीजें, डिटेलिंग में काम करना है, तो आप इस मोड का यूज कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं लॉजिक प्रो पे। तो लॉजिक प्रो की सबसे खास बात मेरे को ये लगी कि इसके जो स्टॉक इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टॉक VST साउंड्स है, सिंथेसाइजर्स है, वो अभी तक की सबसे बेस्ट स्टॉक साउंड्स है जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक। इन एडिशन टू दिस, लॉजिक प्रो आता है 100 GB से भी ज्यादा डेटा के साथ, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और अगर हम बात करें अगेन इसकी नई अपडेट की, तो इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है म्यूजिक प्रोडक्शन का, एंड आई एम प्रीटी श्योर आने वाले टाइम में मेजोरिटी ऑफ द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इसी को यूज करेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। लेट्स मूव टू द लास्ट DAW जो कि है Ableton। अगेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक प्रोडक्शन, या स्पेसिफिकली मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। इसी रीजन की वजह से काफी सारे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसके साथ, जैसे कि Ableton Push या फिर Launchpad, which obviously says कि कुछ तो खास बात है when it comes to music production with Ableton। इसके अलावा उसमें एक एडवांस कंटेंट ब्राउजर है जहाँ पे सारे लाइव सेट्स, प्रीसेट्स और सैंपल्स अवेलेबल हैं। एंड अगेन इट कम्स विद ओवर 70 GB ऑफ डेटा, 70 GB से भी ज्यादा डेटा के साथ आता है। तो अगर इस राउंड के बेसिस पे मेरे को इनको स्कोर करना हो, तो सबसे टॉप पे आएगा FL Studio विद 5 points, देन Ableton विद 4.5, फिर लॉजिक प्रो विद 4, और उसके बाद आएगा Cubase विद 3 points। इसी के साथ चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, जो कि है मिक्सिंग मास्टरिंग। तो सबसे पहले अगर हम Cubase की बात करें, तो Cubase का स्टैक मोड काफी फेमस है। स्टैक मोड आपको हेल्प करता है सारे ट्रैक्स को एक ग्रुप में डालने में। उससे क्या होता है कि एक ही ट्रैक में आपके पास सारे ट्रैक्स विजिबल होते हैं, जिससे थोड़ा सा वर्कफ्लो आपका टाइडी हो जाता है। इन एडिशन टू दिस, जो सबसे मेन पॉइंट है जिससे Cubase को एडवांटेज मिलता है, वो है ग्रेट समिंग इंजन। तो समिंग इंजन की टेक्निकलिटी डिस्कस नहीं करूंगा मैं आप लोगों के साथ। समिंग इंजन को आप इस तरह से देख सकते हो कि जो भी आपने प्रोसेसिंग की है अपने मिक्स में, वो कितनी करेक्टली एक्सपोर्ट होने के बाद भी रहेगी वहाँ पे। क्योंकि काफी सारे सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, हल्की बहुत साउंड चेंज हो जाती है जब आप एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन वो डिफरेंस इतना मिनिमम है कि 99% लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पे Cubase जो है वो लीड में है। Cubase के समिंग इंजन काफी अच्छे है, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो काफी एक्यूरेट सुनाई देता है। इसके अलावा इसका वर्कफ्लो काफी ऑप्टिमाइज्ड है मिक्सिंग के लिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा म्यूजिक प्रोडक्शन में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जब हम मिक्सिंग की बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है इस डॉ की, इसीलिए काफी मिक्स इंजीनियर्स आज भी इसको प्रेफर करते हैं। इसी के साथ अगर हम FL Studio की बात करें, तो FL Studio की खास बात ये है कि उसके पास वैरायटी बहुत अच्छी है स्टॉक प्लगइन्स की, जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, उसका जो यूजर इंटरफेस है दैट इज वेक्टोरियल, यानी कि वो किसी भी स्क्रीन साइज पे अडैप्ट कर सकता है, जिससे ऑल्दो आपने देखा है कि उसकी मिक्स विंडो, प्लगइन विंडो, हर चीज स्कैटर्ड है, बट फिर भी अगर आप उसको डुअल डिस्प्ले मोड में देखना चाहते हो या उसकी UI में कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, तो इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है उसको लेके। इसी के साथ अगर हम लॉजिक प्रो की बात करें, तो लॉजिक प्रो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके स्टॉक प्लगइन्स अभी तक के बेस्ट है जो मैंने देखे हैं। बिकॉज मैं पर्सनली लॉजिक प्रो यूज करता हूँ, और आज भी मेरे पास बहुत कम रीजन है थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करने का। मैं सिर्फ स्पेसिफिक चीजों पे यूज करता हूँ, विच इंक्लूड सैचुरेशन, जहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रस्ट मी, लॉजिक के स्टॉक प्लगइन्स बहुत ही अमेजिंग है। यहीं पे अगर हम एक डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि लॉजिक प्रो के समिंग इंजन इतने अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद काफी बार ग्लिचेस फेस किए हैं। इसके अलावा एक और अच्छी चीज ये है कि इसके साथ एक फ्री ऐप मिलती है आपके iPad या iPhone के लिए, जिसका नाम है लॉजिक रिमोट। तो लॉजिक रिमोट से क्या होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने DAW को, एंड इवन MIDI इनपुट ले सकते हो और पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकते हो। सो इसी के साथ अगर हम चले Ableton पे, तो Ableton की खास बात ये है कि उसका ऑटोमेशन काफी एडवांस्ड है, जहाँ पे आप कर्व्स का यूज कर सकते हो अच्छे से। इन एडिशन टू दिस, उसका जो EQ है दैट ऑल्सो कम्स विद अ बिल्ट इन एनालाइजर, जो कि अगेन काफी ज्यादा प्रिसाइज है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसको प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा ये इवन आपको टूल्स कस्टमाइज करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि आप अपने खुद के कस्टम टूल्स बना सकते हो। तो अगर इस राउंड के बाद मेरे को इनको स्कोर देना हो, सबसे टॉप पे आता है Cubase विद 5 points, और इसके अलावा बाकी सारे डॉस को मैंने 4 points दिए हैं। सबको सेम देने का रीजन यही था कि अगर किसी में कोई चीज अच्छी है तो किसी में कोई चीज खराब है। तो अगर हम टोटल करें इनके स्कोर्स को, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सारी DAWs को सेम स्कोर मिलता है।
काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, शायद गलती से हो गया, लेकिन एक चीज पर्सनली आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ये चीज मैंने जानबूझ के की इस वीडियो में, सो दैट आप सब लोग रियलाइज कर पाओ ये चीज कि सॉफ्टवेयर सिर्फ एक मीडियम है, असली स्किल जो है वो आप में है, असली नॉलेज जो है वो आप में है। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आप एग्री करोगे मेरे साथ जब मैं ये चीज बताऊंगा आपको कि अगर एक ही DAW से लोग इतना डिफरेंट आउटपुट निकाल सकते हैं तो क्या उसमें DAW का हाथ है या फिर आपका हाथ है। तो आई एम श्योर आप लोग एग्री करोगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक लेवल तक टेक्निकली आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो ग्रो कर सकते हो आप, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो आप ही के हाथों में है, वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर को पकड़ो और उसको इतना अच्छे से सीख लो कि अगर कोई आपको आधी रात को भी उठाता है और कुछ भी पूछता है उससे रिलेटेड तो आपको वो पता हो। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि अगर आप रिकॉर्डिंग एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको कौन सा DAW चाहिए, अगर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है तो कौन सा DAW आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करना है तो आपके लिए कौन सा DAW बेस्ट रहेगा। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि अपनी स्किल्स पे काम करो, ऑडियो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, बिकॉज एनीवे सॉफ्टवेयर सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन असली जो नॉलेज है, असली जो आउटपुट है वो आपके दिमाग में लाया करता है। सो विश यू गाइस अ वेरी गुड लक। जो भी चीज आप लोग अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आई होप वो जल्दी मिले आप लोगों को। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।